यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, अगर आप स्मॉल साइज में रखें तो ये 4,500 है, आपने लिए उठाए और वहाँ जाके काउंटर पे आप पे कर सकते हैं। क्या बड़ा ग्लास एकदम, इसमें आधी लीटर से ज़्यादा बियर आती है। ओके, सो यू लाइक द मूवी, हाउ वाज इट द पठान? में से कुछ फॉलोवर्स ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी बोला था कि आप मेगन मूवी देख के आ रहे हो, क्यों ना पठान देख के आओ, क्यों पठान क्यों नहीं देखने गए। सो मैंने सोचा चलो पठान देख रहे हैं और मैं आपको रिव्यू करता हूँ। शाहरुख खान की जो मूवी है भाई, लोग काफ़ी पागल हो जाते हैं और कितने टाइम बाद आ रही है, खास करके रोमांस किंग है शाहरुख खान। और मैंने सुना है उसमें सलमान खान भी आया है, बीच में एंट्री हुई है, और जॉन अब्राहम की भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग रही है, लेकिन उसको बेचारे को इतनी वो नहीं मिल रही है लाइमलाइट, लेकिन शाहरुख खान तो शाहरुख खान है भाई। सो चलते हैं और मूवी का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, आप देखने की जाने की सोच रहे हैं, तो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, पर्स आपका ढीला होगा तो वो आप पे डिपेंड करता है। सो लेट्स गो देयर। 9 बजे का शो है और 3 घंटे की मूवी होगी। जैसा कि मुझे पता है बॉलीवुड जो मूवी होती है उसमें गाने बहुत सारे होते हैं, तो आप स्किप तो कर नहीं सकते वहाँ पे, तो बैठ के सुनने ही पड़ेंगे गाने चाहे कैसे भी हो। बाकी इस मूवी के जो रिव्यूज़ हैं वो मिक्स हैं। सो मिक्स कैसे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी मूवी है, ज़बरदस्त मूवी है, मज़ा आ गया, और कुछ लोग बोलते हैं बोरिंग मूवी है, बकवास मूवी है। सो मैं जाके देखूंगा और मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि भाई मेरे को कैसी लगी ये मूवी, और ऑनेस्टली ओपिनियन दूंगा क्या अच्छा लगा, क्या बेकार लगा, कहाँ पे बोरियत लगी, कहाँ पे नहीं बोरियत लगी। सो लेट्स गो देयर एंड लेट्स वॉच पठान। ओके, सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:15, यानी कि मेरी जो पिक्चर है वो 9 बजे शुरू होने वाली है। सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे एक सीएन मुंतादितोस नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके कुछ खा लिया जाए, कुछ चर लिया जाए मूवी देखने से पहले। और फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे, किनेपोलिस नाम है इसका, PVR की तरह ये है। ठंड बहुत हो रही है फिलहाल मैड्रिड में, मैंने ये मोटी जैकेट पहन रखी है जो मैंने ज़ारा से ली थी। चलते हैं इनसाइड और देखते हैं कि कैसा है ये। लेट्स गो। तो ये पार्किंग है, यहाँ पे मैंने पार्क कर दी अपनी कार। तो जैसा कि आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को सारी चीज़ें यहाँ पे 1 यूरो की मिलती हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पे सैंडविचेस हैं जो कि आप ले सकते हैं, और उसके साथ आप ड्रिंक्स ले सकते हैं जो कि आपको 1.5 यूरो से 2 यूरो के आसपास पड़ती है। वाइन्स के भी ऑप्शन है इसमें, और पानी भी ले सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, आइसक्रीम भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइन लगी हुई है अभी आगे, सो वेट करते हैं अपनी टर्न का। यहाँ पर ये अलग अलग तरह की बियर्स के लिए है, यहाँ पर बस इसको खोलो और बियर ले लो। काश ये मेरे पास भी होता घर में, मज़ा आ जाता। नहीं ये भाई इस रेस्टोरेंट में ये बियर का साइज़ देखो, इसका जो ये ग्लास का साइज़ है बियर का, इसमें कम से कम आधी लीटर से ज़्यादा बियर आती है, यानी कि 500 ml से ज़्यादा बियर। और ये जो जार है ये फ्रिज में रखते हैं ताकि स्पेशली ठंडा रहे जब आप इसको पिए, ताकि बियर जाए तो ठंडी हो जाए एकदम। और ये जो ग्लास है इसको खारा इलादा बोलते हैं, इलादा मीन्स होता है फ्रीज, यानी कि जो फ्रीजीनेस है, बाहर भी दिख रही है बर्फ लगी हुई है बाहर। सो जो स्पेन में जितनी भी बियर्स मैंने टेस्ट करी हैं वो अच्छी तो है, लेकिन जो मैंने इंडिया में जो किंग फिशर ट्राई करी है, जो विजय माल्या साहब है हमारे, वैसा टेस्ट आज तक कभी नहीं देखा हमने। लेकिन वो तो भाग गए अब इंडिया छोड़ के, लेकिन अपनी बियर जरूर छोड़ के किंग फिशर। सो किंग फिशर इज़ द बेस्ट। कुछ कुछ अच्छी है, मेरे को माऊ जैसे अच्छी लगती है जो मैड्रिड की स्पेशली बियर है, लेकिन जो यहाँ की जो बियर है सीएन मुंतादितोस की, ये भी अच्छी है, लेकिन किंग फिशर का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप सहमत है इस बात से तो नीचे कमेंट ज़रूर बताना कि किंग फिशर से अच्छी भी कोई बियर आपको लगती है, तो वो कमेंट ज़रूर करना। ये है नाचोस, और ये है चिकन विंग्स विद सम चिप्स, इन्हीं को बोलते हैं मुंतादितोस। और ये तीन नाम इसका इसलिए है, तीन स्पेनिश में होता है 100, तो ये 100 टाइप्स के यहाँ पे मिलते हैं ये छोटे सैंडविचेस। और इसके अलावा है यहाँ पे ये पॉपकॉर्न्स, जो पॉपकॉर्न की शेप में है, लेकिन ये चीज़ के पॉपकॉर्न है, जिसके साथ एक सॉस मिलती है। और ये है फ्रेंच फ्राइज विद 4 डिफरेंट सॉस। तो ये सब मेरे को मिला है अप्रॉक्स 16 यूरो में, यानी कि 1500 रुपये में। इसमें चेदर सॉस डली हुई है, नाइस। उसके बाद मैं टेस्ट करता हूँ ये फ्रेंच फ्राइज। नॉट बैड। उसके बाद मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ चीज़ पॉपकॉर्न।
तो इसमें चीज़ भरी हुई है भाई, बहुत चीज़ भरी हुई है। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ ये सैंडविच जिसमें क्रस्ड अनियन डले हुए हैं, इसके साथ मायोनीज डली हुई है। सो लेट्स ट्राई देम। जो इसमें चिकन डला हुआ है वो तंदूरी चिकन है, उसमें लिखा हुआ था तंदूरी, सो मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं कैसा है। सो अभी 8 बज रहे हैं और 9 बजे की मूवी है, सो पहले मैं खा लेता हूँ। और ये जो सैंडविच है ये बहुत ही सही है, ये चीज़ पॉपकॉर्न है। और ये जो इसके साथ जो सॉस मिली है ये है स्ट्रॉबेरी सॉस, मीठी है, केचप नहीं है। पेट पूजा हो गई है डन और पेट मेरा हो रहा है फटने को, से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा खा लिया। एक एक यूरो में ऐसा लग रहा था फ्री में मिल रहा है, जो जितना मिल रहा है खाते जाओ। अभी चलते हैं मूवी देखने के लिए, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, 9:15 हो रहे हैं, 9:09 में 15 मिनट, एंड लेट्स गो। ये है मेरे पीछे थिएटर, लेट्स गो देयर। सो ये है यहाँ पे थिएटर, किनेपोलिस नाम है इसका। भीड़ है नहीं यहाँ पे इतनी, मेरे को लगा था भीड़ होगी क्योंकि छुट्टी वाला दिन नहीं है, लेकिन टिकट जो है वो डिस्काउंटेड मिल रही है। सो ये 4DX में भी लगी रहती है यहाँ पे मूवीज, और काफ़ी सारी मूवीज लगी हुई हैं। ये टॉम क्रूज जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, और पठान का है यहाँ पे। ये मैं पायरेटेड देखूँगा डाउनलोड मार के। ये मूवी अगर आपने थिएटर में नहीं देखी तो ज़रूर आपको देखनी चाहिए, अवतार बहुत ज़बरदस्त मूवी है। और ये हॉरर मूवी है द ऑफरिंग, ये मैं देखने वाला था लेकिन मेरे को मेगन पसंद आई इसलिए मैंने इसका प्लान कैंसिल करा और ये वाली देखी। तो यहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ नहीं करी है, आपके पास टिकट नहीं है तो आप ख़रीद सकते हो, या यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो और आपकी टिकट आपको मिल जाएगी। सो मैं ढूंढ रहा था कि पठान का लगी हुई है लेकिन मुझे अभी दिख नहीं रही है यहाँ पे। शाहरुख खान जी हमारे हैं नहीं यहाँ पे, वेर इज़ शाहरुख खान, शाहरुख खान किधर है, हैं नहीं भाई। यहाँ पे ये मशीन देखो कैसे लगी हुई हैं, और यहाँ पे मेटल की अगर पॉपकॉर्न लेना है, क्यूब लेनी है तो 5 यूरोज़ की पड़ेगी, यानी कि 400 रुपये की। और ये रेनबो पॉपकॉर्न है यानी कि ये मीठे वाले हैं, ये आपको 5 यूरो 50 सेंट की पड़ेगी। तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, अगर आप स्मॉल साइज लेना चाहते हैं तो ये 4.5 यूरो का है, आप ले लिए उठाए और वहाँ जाके काउंटर पे आप पे कर सकते हैं। सो अपने आप खोलो और गर्माहट आ रही है, मेरा मन कर रहा है यहीं रुक जाओ, चलते हैं लेट्स गो। 4.5 यूरो का ये बॉक्स, और जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से कोल्ड ड्रिंक भर सकते हैं और जाके पे कर सकते हैं। ओके सो कोल्ड ड्रिंक भी आप सेल्फ सर्विस ले सकते हैं, जैसे लोग यहाँ पे भर रहे हैं, और हर ग्लास के आगे लिखा हुआ है कि कितने यूरोज़ का पड़ेगा, ये आपको 4 यूरो 10 सेंट्स, 5 यूरो 6 यूरो जो भी है। सो सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, और आगे जाके यू गाइस कैन पे आफ्टर फिलिंग इट अप, तो जितना चाहे उतना भरो और जाके वहाँ पे जाके पे कर दो, लेट्स गो एंड पे करते हैं। सो जो हॉल नंबर है वो है 13, जिसको बोलते हैं स्पेनिश में 13, लेट्स गो। और देखो यहाँ पे कितनी सही चीज़ है, अगर आपकी मूवी अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो यू गाइस कैन वेट हेयर, यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो, ये वेटिंग रूम है जब तक मूवी स्टार्ट नहीं हो जाती। सो हमारा जो है वो 13 है, लेट्स गो एंड चेक करता हूँ मैं कि कहाँ पर है 13। ओके सो लेट्स गो इनसाइड, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो थिएटर है वो स्पेन में कैसे होते हैं। और आज मुझे इंडियंस दिखने वाले क्योंकि ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारी जो वो है 7 एंड लेट्स गो एंड लेट्स सी। मैं आपको बताने वाला हूँ जो मूवी है वो कैसी होने वाली है, पठान। ओके सो फाइनली इनसाइड द थिएटर, और ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, मेरे को स्पेनिश लोग 3 ही दिखे, तो शाहरुख खान की भी फैन फॉलोइंग स्पेन में थोड़ी बहुत है। सो देखते हैं कैसी रहती है मूवी। और जो सीट्स हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाले जो गए थे, जो मेगन देखी थी मैंने, वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल थी सीट्स। तक अबे हिंदी में बोल, अरबी में तुझे गाली देने में मजा नहीं आएगा। जिंदा है क्या देख रहा है पठान? इस मुलाकात का मुझे एक अरसे से इंतजार था, जब रॉ में था तब तुम्हारे कई किस्से सुने हैं। बंदे को जिम कहते हैं,
सी बेबी, ये ले पेन किलर। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। ओके सो द मूवी वाज ओके ओके अकॉर्डिंग टू मी इट वाज लाइक 6 out of 10। और मैंने अभी किसी से पूछा भी, कोई स्पेनिश फैमिली आई हुई थी तो उनसे पूछा, वो भी आप देखिए पहले, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके सो यू लाइक द मूवी, हाउ वाज इट द पठान? So many things, like so many actions, and the movie wouldn't stop still for a moment. It was a lot. Okay, so how much you will give, like from 1 to 10, how much you will give, how much stars you will give to the movie? I think maybe 8.5 out of 10. And you already knew Shah Rukh Khan or no? Yeah, of course. Yeah. Ah, okay, okay. Thank you. सो जो एंट्री थी सलमान खान की वो ज़बरदस्त थी, मतलब मज़ा आ गया। और उसके बाद जो शाहरुख खान था, शाहरुख खान ने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन कुछ सीन ऐसे थे मूवी में कि जो मतलब लग रहे थे कि भाई यहाँ कुछ ज़्यादा हाई लेवल की एक्टिंग हो गई है। बट ऑल ओवर द मूवीज वॉज गुड, और थिएटर में देखने लायक है। मैं कहूँगा कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। सो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो यू गाइस कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू गाइस कैन प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस एंड यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम इज diversion_official। सो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और मूवी के रिव्यू के साथ या किसी और कंट्री में जाने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। diversion signing out from पठान मूवी राइट नाउ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।